हाय गाइस वेलकम, मैं हूं दीपक, चैनल पे स्वागत है। तो भारतीय रेलवे में मुझे एक प्रॉब्लम बताओ। आप लिस्ट बना सकते हो, शायद मुझे पता है ट्रेन लेट होती है, ट्रेन साफ नहीं रहती है, ओवरऑल एवरेज स्पीड रेलवेज में बहुत कम है, सब ठीक है। लेकिन एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्या कैटल रनओवर्स और ह्यूमन रनओवर्स की। आपको ऐसी हजारों वीडियोस मिल जाएंगे इंटरनेट पे जहां आपको ट्रेन कैटल्स को टक्कर मारती हुई दिख जाएगी। क्यों, कारण क्या है इसका? कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई चीज कैटल्स को ट्रैक पे आने से रोकती नहीं है, और इस वजह से लोको पायलट्स कभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फुल स्पीड में ट्रेन चला नहीं पाती, क्योंकि बहुत तेजी से अगर ट्रेन ने किसी जानवर को टक्कर मार दी तो ट्रेन में बैठे लोगों के लिए भी वो खतरा हो सकता है। तो इसका कोई सलूशन है? हाँ, ट्रैक्स के दोनों तरफ फेंसिंग करना, ताकि जानवर ट्रैक्स पे ना आ पाए। और ये भारतीय रेलवे के एक बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है, जहाँ पे 462 किलोमीटर लंबे मुंबई अहमदाबाद के एक रूट पे इंडियन रेलवेज ने फेंसिंग का काम कंप्लीट कर लिया है। पिछले महीने के खत्म होते होते टोटल 462 किलोमीटर फेंसिंग कंप्लीट हो गई है। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा है फेंसिंग का काम। तो ये जो इन्होंने बैरियर्स लगाए हैं, ये जानवरों को ट्रैक्स पे आने से रोकेंगे। खैर, शायद इनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है तो इंसान अभी भी इनको क्रॉस कर ट्रैक्स पे आ सकते हैं, और कई महानुभाव ऐसा करेंगे भी, लेकिन फिर उनके लिए कोई सिंपैथी है भी नहीं। जानवरों को तो पता नहीं है कि ट्रैक्स पे नहीं जाना, इंसानों को तो पता है ना, और अगर फिर भी वो जाते हैं और पीछे से आके ट्रेन हाई बोल देती है तो फिर उसमें किसी की गलती नहीं है। ये टोटल है 622 किलोमीटर का रूट जिसको फेंस करना है, और जो भी रूट बच गया है ये इस महीने के खत्म होते होते पूरा फेंस हो जाना चाहिए। इस रूट पे वंदे भारत भी चलती है। फेंसिंग के बाद अब शायद हो सकता है इसकी एवरेज स्पीड बढ़ा दी जाए इस रूट पे। 2019 से 2019 से अभी तक 100,000 कैटल रनओवर्स हो चुके हैं इंडिया में, और रेलवेज ने जो यूज किया है ना इस वक्त, वो है डब्ल्यू बीम गार्ड रेल्स। ये आपने हाईवेज एक्सप्रेसवेज में देखे होंगे, वहां पे यूज होते हैं ये। रेलवेज के मुताबिक इनको लगाना सस्ता था इस कंपेयर टू ब्रिक और मोर्टार वॉल्स। इन बीम्स की कॉस्ट 1 किलोमीटर की 45 लाख पड़ी है, कंक्रीट वॉल्स वगैरह की लगभग 65 लाख के आसपास पड़ जाती। नाउ क्वेश्चन अब ये कि क्या इसका फायदा हो रहा है? तो हाँ, फायदा दिखने लगा है। रेलवेज ने बताया है कि जिन जिन जगहों पे मेटल बैरियर फेंसिंग हम लोगों ने कर ली है, वहाँ पे कैटल रनओवर्स के केसेस बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। जिस वजह से प्लान ये है अब कि बड़े रूट जैसे दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा, इनको भी पूरा फेंस कर दिया जाए, जिससे ट्रेन एक अच्छी स्पीड में इन ट्रैक्स पे चल पाएगी। टाइम के साथ जैसे जैसे हर एक रूट की स्पीड बढ़ती जाएगी, इन्हें आपको दिखेगा कि रेलवेज ट्रैक्स की अपग्रेडेशन और फेंसिंग साथ में करती जा रही है, ताकि पूरे पोटेंशियल के साथ उस रूट को और ट्रेन्स को उनमें यूज किया जा सके। बाकी आप बताइएगा, आपने कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो में अभी इतना ही, मुझे यही अपडेट देना था। मिलूंगा नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद।